वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। आज मैं आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू करवाने वाली हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। खूबसूरत कोलियस प्लांट के साथ ये देखिए फ्रेंड, खूब कितने खूबसूरत लग रहे हैं कोलियस प्लांट। कितने सारे वैरायटी के कलर में आते हैं कोलियस प्लांट, और ये सभी मैंने कटिंग से ही ग्रोथ किए हुए हैं, और ये सभी मैंने सेड एरिया में रखे हुए हैं। तो फ्रेंड, आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं होगा, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड, इधर हाइब्रिड विंग का सदाबहार जिसे बोलते हैं वो भी है, और ये देखिए कितना खूबसूरत कोलियस का प्लांट है। ये देखिए कितने सारे कोलियस है, बहुत से कलर के पत्ते हैं। ये सिंगोनियम के पौधे हैं, और इधर सभी सेड एरिया में रखे हुए हैं, फिर भी बारिश का पानी इसमें आ ही जाता है। और हमारे यहाँ तो रात से ही बारिश हो रही है फ्रेंड। तो वीडियो शूट करना तो मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी बारिश कम हो गई है तो मैंने वीडियो शूट किया है। और ये देखिए कितने सुंदर होते हैं ये इंडोर प्लांट भी। आप भी इन्हें फ्री में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो फ्रेंड। वैसे तो मेरा गार्डन बहुत बड़ा नहीं है, पर मैंने मैनेज करके बहुत सारे पौधे अपने गार्डन में ऐड किए हैं, क्योंकि मुझे और गार्डन हरे भरे रंगों के पौधे अपने गार्डन में ऐड करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपना छोटा सा गार्डन बनाया है। ये देखिए ये लहसुन वेल है जो मैंने कटिंग से ग्रोथ की थी, तो यहाँ पे रखी है मैंने। और ये सभी इंडोर आउटडोर चलने वाले प्लांट है। और ये देखिए हाइब्रिड रोज है रेड कलर का, और इधर मैंने सभी गुलदाउदी की कटिंग रखी है। आप भी अभी भी गुलदाउदी की या किसी भी प्लांट की कटिंग कर सकते हो, क्योंकि हम रिपोर्टिंग करने के बाद भी हमारे कुछ प्लांट ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हमें अभी भी कटिंग लगानी चाहिए। और इधर देर मैंने मनी प्लांट ग्रो किया है, और ये देखिए ये मेरा पीपल का बोनसाई बनाने की कोशिश की है मैंने। ये दो साल पुराना प्लांट है पीपल का, तो इसे बोनसाई लुक देने की कोशिश की है मैंने। और इधर सेट दीवार के साइड में ही मैंने दीवार के ऊपर छोटे छोटे पॉट रखे हैं, और ये देखिए मेरे छोटे छोटे हैंगिंग बास्केट जिसमें मॉस रोज लगाए हुए हैं, और दीवार पे मैंने छोटे छोटे पॉट में पौधे लगाए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इधर भी बारिश का पानी तो आता ही रहता है, पौधे में लग जाता है। और ये देखिए इधर मेरा हिबिस्कस के पौधे रखे हुए हैं, ये सभी देसी हिबिस्कस हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और अभी आप देखेंगे करेला की बेल, कितने सारे करेले 4-5 दिन में तो हार्वेस्ट करती रहती हूँ, फिर भी कुछ कुछ तो बेल पे ही पके हुए हैं और गिर गए हैं। ये देखिए कितने सारे करेले हैं। और ये इधर ये देखिए मॉसरोज परसोलिन और मॉसरोज थोड़े बरसात के कारण ज़्यादा खिले नहीं हैं, कुछ छोटे छोटे ही खिले हुए हैं। और इधर ये देखिए निशिगंधा को मैंने कटिंग करके रखे हैं, क्योंकि बहुत बड़े हो गए थे तो इसलिए मैंने कटिंग करी है। अभी उसमें फर्टिलाइज़र भी देना बाकी है। और ये देखिए मेरा पर्पल टिकोमा का पौधा, मैंने इसको कटिंग करके रखा है क्योंकि बहुत बड़ा स्टिक निकले थे इसमें, बहुत लंबे लंबे हो गया था ये, तो मैंने इसे ऐसे बुश बनाने की कोशिश की है। ये देखिए दो स्टिक निकली थी इसमें, तो मैंने इनकी कटिंग कर दी है, तो अभी ये हरा घना हो गया है।
और इसमें बहुत सारी कलियां भी आई हुई है। और ये इधर मेरा पिंक कलर का देसी हिबिस्कस है, उसे भी मैंने टोन कर रखा है। और ये देखिए हार सिंगार का पौधा, 3 साल का है ये, बहुत बड़ा हो चुका था। फरवरी में ही मैंने इसकी हार टोनिंग की थी और रिपोर्ट भी किया था इसका। और ये देखिए नाग चंपा का पौधा, मैंने इसी मौसम में इसकी कटिंग लगाई थी और अभी इसमें कलियां भी आने लगी है। और ये चंपा है और ये रेन लीली है पीले कलर की, मैंने इसके बीज लाए थे कहीं से और इसी मौसम में मैंने डाले थे तो वो भी उग गए हैं। और इधर मैंने पूरे गुलदाउदी के पौधे रखे हुए हैं जो मैंने रिपोर्ट किए थे। और एक पौधा है जो पुराना है तो उसे भी मैंने कटिंग वगैरह की थी तो वो भी अच्छे से ग्रोथ पे है। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ हुई है मेरे गुलदाउदी की। और ये इधर मेरा नींबू का पौधा है और ये यहाँ पे पूरे देसी रोज है पिंक कलर का। और ये देखिए स्थल कमल का पौधा है, अभी है कि नहीं पता नहीं है पर मुझे तो लगा इसलिए मैंने उसे रख दिया है अपने गार्डन में। और ये देखिए मटके में मैंने जो गुलदाउदी रखी थी लगाई थी वो भी अच्छे से ग्रोथ पर है। और ये एकदम बूसी हो गया है कोलियस और अच्छा लग रहा है गार्डन में कोलियस। और ये देखिए फ्रेंड मेरे 3 लेयर का हिबिस्कस है, हाइब्रिड हिबिस्कस। ये वीडियो में तो पिंक कलर दिख रहा है पर ये रेड कलर का है और ये तो रोज ही खिलता रहता है। इधर मेरे हिबिस्कस के प्लांट है जो देसी भी है और कुछ हाइब्रिड भी है, ये देखिए। और ये पर्पल हिबिस्कस में बहुत सारी कलियां भी अभी बन रही है। और ये इधर मेरे सभी हिबिस्कस रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये देखिए रात रानी का पौधा भी है, पपई का पेड़ भी है यहाँ पे। और ये जेट्रोपा है मेरा, खिल रहा है अभी अच्छे से। और मेरी वाइट रोज की बेल भी है जो मैंने दिखाई थी आपको, वो भी अच्छे से खिल रही है। और जो भी कटिंग मैंने लगाई थी और वो ग्रोथ हुई थी गुलदाउदी की, हिबिस्कस की और ये पर्पल वाला टिकुमा, सबकी मैंने रिपोर्टिंग कर दी है अच्छे से। और यहाँ पे रखा है मैंने बारिश में, कुछ दिन हो गए हैं। और ये हिबिस्कस है, देसी है, हाइब्रिड है, सभी की मैंने कटिंग रिपोर्ट की थी। और ये इधर मेरा बालसम का पौधा है और ये चांदनी का पौधा भी है और यहाँ पे भी मैंने कुछ कटिंग रखी है। और ये इधर भी मेरे हिबिस्कस हाइब्रिड हिबिस्कस के पौधे हैं, ये देखिए बहुत सारी कलियाँ आई हुई है मैं इसमें भी, अभी ये 2-3 दिन में तो खिल ही जाएंगे। तो फ्रेंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।